मोनालिसा का चित्र दुनिया के सबसे मशहूर चित्रों में से एक है। उसकी प्रसिद्धि चित्र की महिला की मुस्कान पर टिकी हुई है। एक ऐसी रहस्यमयी मुस्कान जिसके पीछे के कारण को पहचानना बेहद मुश्किल है। इस चित्र के रचयिता हैं लियोनार्डो दा विंची। केवल वो ही ऐसे शख्स थे जो इतनी उत्कृष्ट कृति का निर्माण कर सकते थे। इटली के फ्लोरेंस में जन्मे लियोनार्डो दा विंची एक चित्रकार, मूर्तिकार, शिल्पकार, संगीतकार, गणितज्ञ, इंजीनियर और लेखक थे। हालांकि उन्हें ख्याति उनकी चित्रकलाओं के जरिए ही मिली। बैप्टिज्म ऑफ क्राइस्ट लियोनार्डो का पहला चित्र था जिसे उन्होंने वेरोकियो के साथ मिलकर बनाया था। वेरोकियो भी एक प्रसिद्ध चित्रकार और लियोनार्डो के गुरु थे। 1490 के दशक में लियोनार्डो ने द लास्ट सपर नामक चित्र बनाया। ये चित्र रूपरेखा और चरित्र चित्रण का एक बेजोड़ नमूना है। इस चित्र में ईसा मसीह को उनके अभिग्रहण और मृत्यु से पहले अनुयायियों के साथ आखिरी बार भोजन करते हुए दिखाया गया है। विज्ञान और इंजीनियरिंग के अध्ययन क्षेत्र में भी लियोनार्डो का काम बेहद प्रभावशाली और प्रगतिशील है। उनके अध्ययन में कला और प्राकृतिक सिद्धांत के बीच गहरा तारतम्य है। उनकी मशीनों की डिजाइनों का बाद में निर्माण कर परीक्षण भी किया गया। कुछ डिजाइन सफल हुए तो कुछ अव्यवहारिक भी साबित हुए। अदम्य जिज्ञासा और उत्तेजना पूर्ण और मौलिक कल्पना शक्ति के धनी लियोनार्डो का 2 मई 1519 को निधन हो गया। राजेश शर्मा के साथ चारुल सिंह, DD News।